हेलो एवरीवन अ वेरी गुड आफ्टरनून वेल ऑफ ऑल द द थिंग्स दैट आई कैन रिमेंबर टू शॉट्स प्लेड बाय विराट कोहली अगेंस्ट पाकिस्तान इट वाज जस्ट टू गुड टू बी ट्रू है कि नहीं मैच एक ऐसे जंक्शन पे था जब कुछ भी हो सकता था आपको याद होगा है ना और एक तो वो धोनी का शॉट जो उन्होंने खेल के हमें वर्ल्ड कप जिताया एक वो शॉट बिकॉज आई एम क्रिकेट फैन आई लव Cricket, it as well as it, है ना सो आई नो है वॉट काइंड ऑफ मोशन इज द बॉल ये किस तरह का मोशन है ये क्या एंगल था क्या वेलोसिटी होगी क्या इम्पैक्ट रहा होगा और कितनी दूर यह बॉल गई है राइट इन सबसे यह डिटरमाइन होता है कि ये बॉल कहाँ पहुंचेगी कितने दूर पहुंचेगी क्या ये ऊपर जा के उठ करके कैच आउट नहीं हो जाएगी है ना सो so, <laughs> अच्छा मम्मी ने केबल का कनेक्शन कटवा दिया था आई थिंक दिस इज अ वीडियो विच इज बीन वॉच्ड मल्टीपल टाइम्स आफ्टर द मैच ऑल्सो समथिंग दैट वी कैन ऑल यू नो फील हैप्पी अबाउट क्योंकि इस मैच में उन्होंने हमें जीत दिलाई थी और अ मैच अगेंस्ट पाकिस्तान दैट टू विथ कोहली हिटिंग दीज सिक्सिस एंड वॉचिंग इट लाइव वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस है ना तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का सेशन क्योंकि आज का सेशन बहुत ही पावर पैक्ड सेशन होने वाला है पावर पैक्ड इसलिए पावर पैक्ड इसलिए क्योंकि आज के सेशन में आप वो सारी डिटेल्स जान जाएंगे किसी भी तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को करने के लिए जो आपके लिए जरूरी हो ऑल राइट सो बहुत ध्यान से देखिएगा इस सेशन को और ध्यान से पढ़िएगा और शुरू करते हैं चलिए हम आज का डिस्कशन बेसिक आइडिया को आगे लेकर क्योंकि प्रोजेक्टाइल में मोस्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते मोस्टली प्रोजेक्टाइल मोशन में क्वेश्चंस आने वाले हैं कहां से न्यूमेरिकल से सो so आज के सेशन का हमारा यही एजेंडा है हाय गौतम हेलो और मुझे देख रहे हैं प्रियांशु ऑल राइट राधिका आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल और लॉट ऑफ यू हैव ज्वाइन मी ऑलरेडी है ना तो एकदम ध्यान से सुनना आज मेरी बात क्योंकि इससे ना आपका जो भी प्रॉब्लम uh, है जो भी न्यूमेरिकल ओरिएंटेड प्रॉब्लम है वो सबके सब सॉल्व सब हो जाएंगे और इसके बाद ना आप जितने भी क्वेश्चंस हैं या वो पीवाईक्यू में है या किसी भी किताब में है आप बिंदास किताब उठाओ और सॉल्व करो ठीक है आपको ऐसे

है ना आज के सेशन में शॉर्ट ट्रिक भी आने वाला है मेथड्स भी आने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी आने वाले हैं मोस्टली न्यूमेरिकल ओरिएंटेड चीजें होने वाली है ठीक है ऑल राइट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको uh, मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आप वहां जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो चलो फिर शुरू करते हैं बेसिक जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की हम बात कर रहे हैं आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो यू वेलोसिटी के साथ वो बॉडी लैंड होती है टोटल टाइम जो वो हवा में बिताती है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन वेलोसिटी और हमेशा हम क्या करते हैं उन सब चीजों को दो डायमेंशन में तोड़ दे रहे थे ना एक्स के डायरेक्शन में और वाई के डायरेक्शन में सभी चीजों को हम तोड़ दे रहे थे और देख रहे थे कि ये कुछ भी नहीं था बल्कि इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन जब हम ऐसा कर रहे थे तो इसके थ्रू हमने सारे पैरामीटर्स निकाल लिए कि अगर किसी भी टू डायमेंशनल मोशन में अगर हमें कभी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर पूछते या फाइनल पोजिशन वैक्टर पूछते किसी भी टू डायमेंशनल मोशन में तो बहुत आसानी से हम चीजों को एक्स के डायरेक्शन में लिख देंगे वाई के डायरेक्शन में लिख देंगे और उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं यानी कि अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो वी विल बी इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वीवाई जे कैप यहां से वी एक्स और वीवाई बहुत आसानी से हम इन चीजों को निकाल सकते हैं ये सारी बातें हो चुकी थी जहां तक बात है टाइम ऑफ फ्लाइट की तो देखो एक तो नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जितने टाइम ये ऊपर लगाता है जाने जाने में में उतना ही टाइम ये नीचे लगाएगा जाने में। और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना इसका जो सबसे हाईएस्ट जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट इसको हम हाइएस्ट पॉइंट बोलते हैं हाइएस्ट पॉइंट क्यों हाइय मतलब वाई की डायरेक्शन में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट इसी पॉइंट पे इसके ऊपर वो बॉल गया ही नहीं तभी हो सकता है जब इसके पास और कोई वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी बची ही ना हो यह बात सबको समझ में आ गई तो जब यह हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाती है जीरो अब सिर्फ इस कंडीशन को यूज करके क्योंकि कोई बॉल ऊपर जाती है जाती है जाती है हाइएस्ट पॉइंट पे जाकर के टेम्परली रुकती है और फिर नीचे आती है होता है ना यही था ना वन डायमेंशन मोशन अंडर ग्रेविटी में भी हमने ये चीज देखी थी तो यानी कि हमारे पास वीवाई का इक्वेशन तो है है ना vy का इक्वेशन तो है अगर आप उस vy के इक्वेशन में vy क्या हो जाएगा देखो vy इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u plus at होता था uy व्हिच इज u sin थीटा है ना -gt यही हो जाएगा तो अगर आप vy को ज़ीरो कर दो तो आपको मिल जाएगा टाइम की ऊपर जाने में कितना लगा ऐसे निकाल सकते हो आप यह है टाइम ऑफ एसेंट तो क्या हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू u sin थीटा g ठीक है अच्छा जितनी देर इस बॉडी को ऊपर जाने में लगती है उतनी ही देर इस बॉडी को नीचे आने में लगती है ठीक है तो यानी कि टाइम ऑफ डिसेंट किसके बराबर हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट के बराबर और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है जितना देर ऊपर जाने में लगा प्लस जितना देर नीचे आने में लगा यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा भाई टू यू साइन

इसको भी अगर देखें तो ये एक्स डायरेक्शन में बिल्कुल उतनी ही और उतनी ही नीचे जितनी ऊपर ठीक है हर पॉइंट पे बिल्कुल सिमेट्रिक ये ये बात सबको समझ में यानी कि जब प्रोजेक्टाइल इस चीज को हिट ग्राउंड को हिट भी करेगा तो वो उसी एंगल से हिट करेगा जिससे कि ये फेंका गया था और उस वक्त भी उसके दोनों कंपोनेंट्स उतने ही होंगे यानी कि ये एब्सोल्युटली सिमेट्रिकल मोशन है ये बात सबको समझ में आई आप इस पूरे मोशन को जो है ना दो पार्ट में ऐसे करके बांध करके तोड़ सकते हैं ये बात भी सबको समझ में आ गई ठीक है खैर टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने का और भी तरीका हो सकता है खैर जैसे भी आप निकालो होता है यू भाई जी। अच्छा इसमें जो आते हैं ना बच्चों उसमें का खेल ज्यादातर होता है जहां पर सीधा सीधा आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ दिया गया हो है ना जहां पे क्या हुआ हाईएस्ट पॉइंट पर वीज इक्वल टू डायरेक्शन में जीरो होगी ठीक है साक्षी

ऑल right ये बात सबको समझ में आ रही है ना कोई दिक्कत नहीं है चिले एकदम ठीक है ऐसे करके आप ये बात निकाल सकते हो ओके okay. अब बात करते हैं कि ये जो highest point है। Sorry. ये जो जो है है यार ये कितना होगा ये जो हाइएस्ट पॉइंट है ये कितना होगा ऑल राइट right. ah.

तो स्क्वायर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड यही हो जाएगा आपका H, और इसी को बोलते फॉर्मूला का डेरिवेशन समझ में आना डेरिवेशन कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि हाईएस्ट पॉइंट पे भाई वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो गई ना तो इस जगह पे वाई का एक्सप्रेशन लिख दो और वाई किसके बराबर है एच मैक्स के बराबर सिंपल ठीक है बच्चे कोई दिक्कत नहीं ना ऑल <coughs> राइट right. चलो अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की एक सेकेंड अब बात करते हैं बच्चे किस चीज की हॉरिजॉन्टल रेंज की ठीक है तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब क्या हो गया एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अगर हमें डिस्प्लेसमेंट जानना है एक्स डायरेक्शन में कितना हुआ तो बहुत सिंपल है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तो कांस्टेंट रह रही है हर जगह हर जगह तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही है बाबा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तो बदली ही नहीं तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है है तो हमको पता स्पीड इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है है कि नहीं ना तो एक्स इज इक्वल टू स्पीड अलोंग एक्स यानी कि यू एक्स इनटू टी है ना यही होगा और टी कितना होगा टोटल टाइम जितने दूर में ये मूव कर रहा है यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर ठीक है तो यू एक्स क्या था देखो थीटा टाइम्स टाइम ऑफ लाइट क्या था टू यू साइन थीटा बाई जी देखो यू इन टू यू हो गया यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस्टा हो गया साइन टू थीटा और डिवाइडेड बाई जी तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रेंज को लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी ठीक है अब ये तो हो गई जनरल फॉर्मूला ठीक है ऑल राइट right. ये तो क्या हो गया ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला लेकिन इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट दे दे वेलोसिटी के और सीधा सीधा रेंज निकालना हो सीधा सीधा क्या निकालना हो बच्चे रेंज निकालना हो ठीक है ऑल राइट right, तो ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे क्योंकि यू कॉस्ट थीटा क्या है यू एक्स है और यू साइन थीटा क्या है यू वाई है समझ में आई बात समझ में आ गई बात सबको ठीक है मान लो थीटा नहीं दिया मान लो आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछा ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट ध्यान से सुनना दॉरिजोंटल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी फॉर अ प्रोजेक्टाइल फायर एट अटन एंगल इज इक्वल टू टू एंड थ्री मीटर्स पर सेकेंड इफ जी इज इक्वल टू टेन मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर फाइंड द रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल समझे समझ में आई बात अ प्रोजेक्टाइल इज फायर फ्रॉम द ग्राउंड सच दैट द हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल इज टू मीटर पर सेकेंड एंड थ्री मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल इफ जी इज टेन मीटर तो क्या करेंगे यूएक्स दिया हुआ है क्या दिया हुआ है यू वाई दिया हुआ है क्योंकि देखो अगर इस वाले केस में आप इस फॉर्मूले में जाने लगे आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थी बाई जी तो आप फंस जाओगे क्यों फंस जाओगे क्योंकि थीटा तो दिया हुआ नहीं है अब थीटा निकाल सकते हैं ऐसा नहीं 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 निकाल सकते क्योंकि यू वाई और यू एक्स तो पता है ना ये यू एक्स है भाई ये यू वाई है अगर मुझे टेन थीटा निकालना ही है तो tan थीटा निकल जाएगा क्या यू वाई बाई यू एक्स यहां से थीटा निकालेंगे फिर उसके बाद साइन टू थीटा वाले, वाले वैल्यू में और तब जाकर यही आंसर आएगा ठीक है उससे अच्छा हमको क्या पता है कि जो फॉर्मूला डिराइव हो रहा था उसमें क्या था यू एक्स कॉम्पोनेंट भी था और यू वाई कॉम्पोनेट भी था तो बहुत आसानी से क्या कर देंगे हम सीधा लिख देंगे टू टाइम्स ऑफ यू एक्स है टू इंटू थ्री डिवाइडेड बाई टेन खत्म है ना सभी को समझ में आ गया 1.2 पॉइंट टू मीटर एपसोलूटली करेक्टर गुड एपसोल्यूटली करेक्ट ठीक है अच्छा हॉरिजॉन्टल रेंज में भी ना कहानी आती है कि मैक्सिमम रेंज कहां होगी मैक्सिमम रेंज कहां होगी अब यहीं पे बात करते हैं विराट कोहली के उस शॉट की ठीक है तो आप बताओ कि जिस फोर्स से कोहली ने शॉट मारा था टेंटेटिव एंगल अगर आप देखोगे तो वो एंगल क्या थी थर्टी डिग्री थी सिक्सटी डिग्री थी

तभी आपको क्या होगा मैक्सिमम रेंज मिलेगा क्यों क्योंकि देखो अगर इसको मैक्सिमम होना है बच्चे अगर इसको मैक्सिमम होना है तो साइन टू थीटा मैक्सिमम होना चाहिए है ना अगर इसको मैक्सिमम होना है तो साइन टू थी क्या होना चाहिए मैक्सिमम और साइन टू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है one, और वो कब होता है जब एंगल नाइनटी के बराबर हो यानी कि जब नाइनटी डिग्री के बराबर हो तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा फोर्टी डिग्री के यानी कि अगर आप कभी फोर्टी डिग्री से किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हो तो वो उसी गिवन वेलोसिटी से देखो वेलोसिटी बढ़ा दोगे घटा दोगे तब तो बात बदल जाएगी ठीक है लेकिन सेम वेलोसिटी से अगर आप दो प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो एक यू 30 डिग्री और दूसरा 45 डिग्री हमेशा 45 डिग्री ज्यादा दूर जाएगी सबसे ज्यादा दूर कौन सी जाएगी भाई 45 डिग्री वाली जाएगी ठीक है और ये ना जब हम रेंज कैलकुलेट करते हैं खास करके ऐसी चीजों के जब मिलिट्री वेपन्स हम बनाते हैं और उसके रेंज कैलकुलेट करते हैं तो हम ना यही एंगल लेकर के रेंज कैलकुलेट करते हैं किसी गन का हो गया या किसी कैनन का हो गया या किसी टैंक का हो गया है ना तो हम जब भी ये सब चीजें कैलकुलेट करते हैं तो इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं और ये रेंज होगी कितनी क्योंकि g, सीधा. के बराबर हो जाएगा? G, ठीक है अच्छा एक चीज और कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ना रेंज बराबर होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्योंकि 90 करेक्ट और अगर साइन ऑफ नाइनटी माइनस थीटा लिखो तो थीटा 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 हो हो जाएगा cos, theta, sin, theta हो जाएगा में कोई कोई चेंज आएगा नहीं यानी कि कोई भी ऐसा एंगल मतलब बोलते हैं, हैं। तो पचहत्तर से फेको या फिर पंद्रह से फेको वो कहां जाएगा हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिलते रहेंगे

तो जितने से आपने फेंका है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड देखो ग्राउंड पे हिट करने के बाद कहानी बदल जाती है ग्राउंड पे हिट हुआ हुआ inelastic हुआ हुआ कैसा कोलिजन इलास्टिक इलास्टिक इन कितना एनर्जी रहा वापस बाउंस बैक किया नहीं किया बहुत सारे एक्स वाई जेड फैक्टर होते हैं जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड आप सोचो ना कि एक मिलीमीटर mm ऊपर है बस उस वक्त उसकी वेलॉसिटी कितनी होगी ठीक है लैंडिंग वेलॉसिटी उसी को बोलते हैं और वो उतनी ही होगी जितने से हमने उसको प्रोजेक्ट किया है ठीक है अब चलो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज एक साथ देख लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज ठीक है ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मलेज आपके सामने आ गए ठीक है लेकिन दिक्कत क्या है ना बच्चे कि आपसे ना इतने डायरेक्ट फॉर्मूले पूछेंगे नहीं ये सारे फॉर्मले तो आपने देख लिए लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि इससे ना बहुत ज्यादा डायरेक्ट सवाल आते नहीं आपको एकदम सिंपल सिंपल ऐसा नीचे से प्रोजेक्ट करके देंगे नहीं आपको वो कैसा सवाल देंगे पता है ऐसा एक टावर है और यहां से मैंने प्रोजेक्टाइल को ऐसे कुछ थर्टी डिग्री एंगल पे फेंक दिया अब बताओ टाइम ऑफ लाइट अब बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज समझ में आ रही है ना बात ठीक है या फिर ऐसे फेंक दिया है या तो फिर क्या करेंगे कि ऐसे फेंक दिया नीचे फेंक दिया है नीचे फेंक दिया है है ना तो बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज ठीक है हाँ प्रैक्टिकल सेंस में 45 पे ही क्यों मैक्स रेंज रहेगा वाई नॉट थर्टी और फोर्टी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने प्रियांशु देखो देखो फोर्टी पे इसलिए रहेगा प्रैक्टिकल सेंस में अगर आप प्रैक्टिकल सेंस में सोच रहे हो 45 पे इसलिए मैक्सिमम रेंज रहेगा बच्चे देखो ये गया अगर आपने 45 डिग्री से इसको फेंका है तो ही ये आपको मैक्सिमम रेंज ला के देगा क्यों क्योंकि साइन टू पे मैक्सिमम हो रहा है ये जो पूरा फंक्शन है वो मैक्सिमम कहां हो रहा है साइन टू थीटा मैक्सिमम साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है नाइनटी टू थीटा इज इक्वल टू नाइनटी तो थीटा क्या हो गया फोर्टी फाइव डिग्री बात समझ में आ गई ना ये बात सबको समझ में आई अच्छे से समझ में आई ठीक है देखो उसके नीचे क्या होता है ये बिल्कुल आधा है ना ये 90 का बिल्कुल एंगल बाई सेक्टर है समझो अच्छा प्रैक्टिकली अगर समझना है तो ऐसे समझो ये 90 का बिल्कुल आधा है है ठीक सबसे ज्यादा हाइट कहां पे पहुंचेगा ये बताओ सबसे ज्यादा हाइट कब पहुंचेगा अगर आपने इसको बिल्कुल ऐसे वर्टिकली फेंक दिया ऐसे बिल्कुल वर्टिकली फेंक दिया तो सबसे ऊपर पहुंचेगा हा की ना उतने ही वेलोसिटी से देखो यू से यू से अगर आपने सबसे ज्यादा हाइट जानना है तो क्या हो रहा है क्योंकि देखो वेलोसिटी तो सेम है ना दस मीटर पर सेकेंड से मान लो आपने फेंका है और ये एंगल थर्टी डिग्री कर दिया तो यही दस मीटर का कुछ पार्ट एक्स को भी मूव करा रहा है कुछ पार्ट वाई को भी मूव करा रहा है अगर अगर कॉन्सेप्चुअली जाना है तो चलो और घुसते हैं अंदर ठीक है जो कि प्रियांशो ने यह सवाल पूछ लिया हो सकता है और भी बच्चों के दिमाग में यह सवाल हो तो थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअली घुस के समझते मान लो कि अगर किसी बॉल को मुझे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे फेंकना है और मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से ही फेंक सकता हूं तो मैं कैसे फेंकूंगा भाई डेफिनेटली मैं ऐसे फेंकूंगा क्यों क्योंकि पूरा का पूरा दस ऊपर की तरफ क्योंकि अगर मैंने कोई भी एंगल बना लिया तो एक पार्ट उसको एक्स में भी मूव करवाने लग जाएगा यह बात समझ में आई तो वो उतना ऊंचा तो नहीं पहुंचेगा जितना कि मैंने वर्टिकली फेंका है तो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा यह बात तो सबको समझ में आ रही है हाँ कि ना अगर किसी चीज को मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कराना है इस डायरेक्शन में यानी कि मैक्सिमम रेंज के हिसाब से तो वो क्या होना चाहिए जीरो डिग्री से होना चाहिए यानी कि मैं अगर दस मीटर पर सेकेंड से ऐसे फेंक दू तो बिल्कुल बॉल सबसे ज्यादा दूर जाएगी कि ना ये बात सबको समझ में आ रही है लेकिन अवेलेबल ही नहीं है फेंक दिया तो नहीं पहुंचाने के लिए ऐसे चाहिए था। सबसे रेंज के लिए ऐसे फेंकना चाहिए था लेकिन ये दोनों तो है नहीं तो बचा बीच का है ना यानी कि ये जीरो से नाइनटी के बीच में हो सकता है लेकिन एग्जैक्टली जीरो भी नहीं हो सकता एग्जैक्टली नाइनटी भी नहीं हो सकता अब देखो क्या होता है बच्चे कि अगर आपने अगर आप अगर आप जीरो के पास में हो अगर आप जीरो के पास में फेंकने लगे तो क्या हुआ गेंद दूर तो जा रही लेकिन ऊंची नहीं जा रही दूर तो जा रही लेकिन ऊंची नहीं जा रही ठीक है ऑल राइट और जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाओगे तो गेंद ऊपर ऊपर जाएगी लेकिन दूर नहीं जाएगी ऊपर ऊपर तो जा रही है देखो ऊपर ऊपर जा रही है लेकिन दूर नहीं जा रही समझ में आ रही बात ठीक है अब ऐसे केस में क्या होता है जब आप 45 डिग्री पे ना, जब आपने 45 डिग्री पे तो ये मैक्सिमम रेंज तक पहुंचती है, इसके नीचे जो भी है इसको उठा देंगे, पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री में रेंज उतना ही रहेगा समझ में आ रही बात ठीक है तो 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है बच्चे जहां वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है ना बराबर बराबर बढ़ जाएगा ठीक है इसके नीचे अगर देखो तो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है इसके ऊपर अगर देखो तो भी डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है यानी कि एक पार्ट ऐसा है जहां पे वो हॉरिजॉन्टल तो मूव कराना चाह रहा है लेकिन वर्टिकल उतना नहीं मूव करवा पाएगा है ना मिला जुला करके आपका काम होगा नहीं नीचे रह गई गेंद है ना कैच आउट हो जाओगे और दूसरा ऐसा है जिसमें वो ऊपर ज्यादा मूव करवा रहा है लेकिन दूर ज्यादा नहीं जा पा रहा है ठीक है और इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे ना बराबर बराबर आ जाते हैं

अब चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन बेसिक फॉर्मुले से कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कुछ इन बेसिक फॉर्मुले को जल्दी जल्दी से यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो नीट में आए हुए ठीक है सब लोग तैयार है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मोस्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाला है क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर आज आपने ये सेशन पूरा पूरा देख लिया तो आप आज के बाद से प्रोजेक्टाइल मोशन के किसी भी सवाल को चाहे वो नीट में आए हो जेई में आए हो एडवांस में आए हो किसी भी सवाल को ऐसे ही

क्या बोला आपने आ, देविता सर अगर टावर से प्रोजेक्ट करने कोई ऑब्जेक्ट की तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी होगी आते हैं उस पर आते वो वाले केसेस पे आएंगे ठीक है वो वाले, वो वाले सारे केसेस पे आएंगे जब एक टावर पे ले जाकर के ना प्रोजेक्टाइल को ऐसे फायर कर दिया तब कैसे निकालने चीजों को सब आते हैं कोई दिक्कत नहीं है पहले ना डायरेक्ट सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं पहली बात तो कभी कभी आपको मिलेंगे पर ऐसा नहीं है कि नीट में नहीं आए ठीक है अभी देखो हमको क्या है पता है कि सीधा रेंज निकालना है जब डायरेक्ट सवाल हो ना बच्चे तो सबसे पहले ना फॉर्मूला हाँ, तो यू तो स्क् है ना? है ना? है ना? तो रेंज यू स्क्वायर कितना हो गया टेन इंटू टेन डिवाइडेड बाई टेन खत्म खत्म मर गया मर गया ऑप्शन करेक्ट है समझ गए तो डायरेक्ट सवाल में ना आपको ज्यादा टाइम पास नहीं करना है डायरेक्ट सवाल देखते ही बन जाएंगे ऑलराइट रेंज right, कितना आ गया 10 ऑलराइट right, बन गया बन गया सभी बच्चों से बन गया ना बन गया गुड अच्छा अब आते हैं अगले सवाल पे अब अगला सवाल क्या पूछ रहा है अ बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री है भाई ये 60 डिग्री है विद द हॉरिजॉन्टल फाइंड टेक g इतना फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट And the range of the ball. ये सारे सिर्फ आपको इसलिए दिए गए ताकि आप फॉर्मूला की रेंज तो क्या, क्या होता है भाई आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थी बाई जी ठीक है ये सिर्फ आपको इसलिए बताए गए हैं ताकि आप जल्दी जल्दी से सवालों को कर लो ठीक है अच्छा अगर मुझे याद नहीं रह रहा है सर तो मैं क्या करूं मेरी जिंदगी में बहुत दिक्कत है बहुत कष्ट है अगर मुझे फॉर्मूले याद नहीं रह रहे तो मैं क्या करूं बहुत ही आसान है मैंने कल आपको सिखाया था एक अप्रोच क्या अप्रोच था वो कि अगर एक बॉल को मैंने सिर्फ यू वेलोसिटी से फायर की तो वो टी टाइम में कहीं यहां होती अगर ग्रेविटी नहीं होता तो याद आया वो कॉन्सेप्ट अगर किसी बॉल को मैंने यू वेलोसिटी से छोड़ दिया फेंक दिया ठीक है तो वो टी टाइम पे कहीं यहां होती कितनी दूर पे होती भाई यू इंटू टी लेकिन वो बॉल गिर जाती है किसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से तो ग्रेविटी इतनी ही देर में इस बॉल को कितनी दूर पहुंचा देता है हाफ जी टी स्क्वायर ठीक है है ना ये एंगल हो गया थीटा तो एक ट्रायंगल बना लेंगे जिसमें ये यू टी है ये हाफ जी टी स्क्वायर है और ये थीटा है अब साइन थीटा कॉस् थीटा लिख लो अगर मैंने यहाँ पे साइन थीटा लिख लिया तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर टाइम्स यू टी को इधर ले आते हैं टी से टी मर गया टी इज इक्वल टू टू यू साइन थी जी खत्म टाइम ऑफ फ्लाइट है ना आर निकालना है थीटा लिख लो तो क्या लिख देंगे हम थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू समझ में आ रही सभी को बात सभी को बात समझ में आ रही अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे करके फटाक से निकाल सकते हो आप दो सेकंड में फॉर्मूला निकाल सकते हो आर डिवाइडेड बाई यू इन टू टी तो यू इन टू टी को इधर ले जाते हैं यू को ऐसे ही रहने देते हैं टी को लिख देते हैं टू यू साइन थीटा बाई जी

करेक्ट स्टेटमेंट दाइम ऑफ लाइट इज एट से प्रोजेक्टाइल यहाँ थी मोशन एकदम सिमेट्रिक होता है ग्राउंड से दो सेकंड के बाद इतनी दूर पे थी एच हाइट पे थी तो अभी ये छह सेकंड में ग्राउंड से इतनी ही दूर पे यानी कि दो सेकंड के बाद ये वापस गिर जाएगी सबसे पहली चीज ठीक है सबसे पहली चीज यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट तो एट सेकेंड होगा ही होगा यह बात सबको समझ में आया ये बात सबको समझ में आया अच्छा उसके बाद क्या बोला हाइट ऑफ द वॉल इज मीटर्स हाइट ऑफ द वॉल इज मीटर्स कैसे निकालेंगे टाइम हमको पता है वाई से निकाल लेंगे है ना वाई वाले एक्सप्रेशन से निकाल लेंगे है ना अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया तो यू साइन थीटा पता चल गया देखो क्या लिखा हमने टू यू साइन थीटा बाई जी इज इक्वल टू एट तो यहां से क्या हो गया यू साइन थीटा यू साइन थीटा किसके बराबर आ गया भाई एट इंटू टेन एटी डिवाइड बाई टू यानी कि फोर्टी ठीक है फोर्टी आ गया कोई दिक्कत नहीं है ना अब यू साइन थीटा ही तो चाहिए वाई निकालने के लिए ये हाइट निकालने के लिए ठीक है भाई आराम से ये टी इज इक्वल टू टू सेकेंड पर कितना हो जाएगा क्योंकि आप लिख दोगे y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क् लिखोगे t का वैल्यू टू है u साइन थीटा फोर्टी है तो निकल नहीं जाएगा हाइट निकल गया सब इसे हाइट ऑफ द वॉल भी आपका मैच कर जाएगा अब जैसे ही ये दो तो ऑप्शन मैच कर गया ना तो सीधा ऑप्शन डी को करेक्ट मार दो तीसरी चीज को चेक करने की कोई जरूरत भी नहीं है ये बात सबको समझ में आई क्योंकि आपको पता है कि एक ही ऑप्शन करेक्ट होना है यानी कि अगर ऑल ऑफ एव होना है तो किसी भी दो ऑप्शन को अगर मैं चेक कर लिया तो मुझे जरूरत ही नहीं है तीसरे ऑप्शन को चेक करने की आपको ये सारी चीजें ना स्पीड दे करके जाएगी एग्जाम में तो इन सब बातों पर बहुत बहुत ध्यान रखना है ठीक है प्रैक्टिस चल रही है ना ध्यान ध्यान से सब समझ में आ रहा है ऑल ये बन गया बन गया सभी से कोई दिक्कत नहीं है अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है बच्चे ठीक है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, और के बीच में, है? और के बीच में. क्या रिलेशन होता है एच मैक्स एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स बाई फोर ये तभी यूज होगा जब थीटा का वैल्यू फोर्टी फाइव डिग्री है क्योंकि तभी आपको आर मैक्स मिलेगा ठीक है ऑलराइट ठीक है भाई ये बात सबको समझ में आई हा की ना समझ में आ गई बात कि आर मैक्स आपको तभी मिलेगा जब थीटा का वैल्यू 45 हो अब यहां पे मान लो ऐसा कोई बोला इस तरह से क्वेश्चन दिया ठीक है कि एक आ, एक बंदा है लेटर से और उसको ना उसने यहां पे एक प्लैंक लगा रखी है फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है और मान लो कि ये ना ऐसे करके कूद रहा है यहाँ से मोटरसाइकिल से जा रहा है ये मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहा है भाई देखा होगा आपने स्टंट मैन लोगों को है ना ऐसा कुछ बाइक है इसका और ये इस बाइक पे बैठा है और ये जा रहा है बाइक चलाते हुए और ये ना इसको क्रॉस कर रहा है और ये जो ये जो डिस्टेंस है ना ये जो डिस्टेंस है ये हंड्रेड मीटर है ठीक है ये डिस्टेंस क्या है हंड्रेड मीटर तो मुझे इस बीच में ना एक वॉल लगानी है

सभी को समझ में आई ना अच्छा इसका उल्टा भी पूछ सकता था अगर ये वॉल पच्चीस मीटर का है और ये पैंतालीस डिग्री एंगल से क्लोज ये क्रॉस कर रहा है और ये वॉल को जस्ट क्रॉस करता है तो दूसरा प्लैंक मैं कितनी दूर पे लगाऊं ताकि ये सेफ लैंडिंग करे समझ रहे हो ना क्वेश्चन आप समझ रहे हो ना ये सवाल कि कैसे ये घुमा फिरा करके आपसे एक सवाल पूछते हैं कि एक बंदा जा रहा है इस तरह से उड़ के गया उसको क्रॉस करना है अगर बीच में एक पच्चीस मीटर का वॉल है और इस वॉल को वो जस्ट टच करता है जस्ट टच करके निकलता है तो बताओ मैं ये प्लैंक कहां पे लगाऊं ताकि इसकी सेफ लैंडिंग हो कितने दूर पे लगाऊं सौ मीटर अब ये कुछ भी पूछ दें आप बना लोगे हाँ की ना ये नंबर ही बदलते रहेंगे बस ठीक है ठीक है समझ में आ गई बात ठीक है अगर ये एंगल तीस होता तो जनरल फॉर्मूला भी है ऐसा नहीं है जनरल फॉर्मूला से भी आ जाएगा ठीक है अगर ये एंगल 30 होता तो भी आ जाएगा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है ना इस इसके लिए वैलिड है लेकिन सबसे ज्यादा आपसे यही पूछा जाता है समझो ना इस चीज को सबसे ज्यादा आपसे यही पूछा जाता है ऐसे भी बन जाएगा देखो मान लो अगर मैंने ऐसा लिखा देखो एच मैक्स को क्या लिखते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाईजी ये लिखते हो ना और आर को क्या लिखते हो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाईजी अब ये को कर दोन थीटा इंटू कॉस्ट थीटा टू साइन थी ठीक है अब ना क्या करना है देखो, ये आ गया. अब क्या करो एक को दूसरे में सब्सिट्यूट कर दो आपको दिख रहा है यू स्क्वायर यहां पर है ना यू स्क्वायर की वैल्यू को लो और यहां पर सब्सिट्यूट कर दो यू स्क्वायर की वैल्यू को लो क्या जाएगा एच मैक्स इंटू जी डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा ठीक है इसको लो और सब्सिट्यूट कर दो यू स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा आर इज इक्वल टू टू टाइम्स यू स्क्वायर की जगह पे मैंने लिख दिया एच मैक्स इंटू जी डिवाइडेड बाई क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं आपने पूछा कि सर कैसे कैसे डिराइव करेंगे बहुत सिंपल है और एक जी नीचे भी है तो ये जी से जी मर गया एक साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन थीटा मर गया देखो क्या है आपके पास कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा तो क्या आ गया कॉट थीटा है ना तो आपके पास क्या रिलेशन आया R इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ h मैक्स है ना साइन cos थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा इन वन बाई टेन थीटा है ना यही होता ना करेक्ट तो डिवाइडेड बाई इसको लिख दिया मैंने कॉट थीटा करेक्ट तो कुछ ऐसा रिलेशन आपको दिखेगा ये बात सबको समझ में आ गई इस तरह से आप निकाल सकते हो जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हो कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है ठीक है के में भी वैल्यू फिक्स हो जाती है थीटा की फोर्टी फाइव डिग्री अब फोर्टी फाइव डालोगे तो फिर आपको वही आ जाएगा वैल्यू वही आ जाएगा ये बात समझ में आ गई अच्छा हमने कल एक और चीज देखी थी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री का जनरल फॉर्मूला तो ये है लेकिन आप देखो इसको ना आप आ, अच्छे से अगर आप समझोगे तो अगर आप इसको चाहो तो इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हो राइट कुछ भी नहीं करना है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी को यू स्क्वायर साइन टू थी देखो यहां पर टू है ही है ना यहाँ पे टू है ही यू स्क्वायर है ही है ना इसको सब्सिट्यूट करना है किससे रेंज वाले फॉर्मूले से अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा x tan theta minus x by r. ये बहुत ज्यादा है मैं इसका derivation नहीं कर रहा हूं बट वेरी यूजफुल अब इसको याद कैसे रखना है तो एक चीज याद रख लेना कि देखो tan थीटा तो क्या होता था वाई बाई एक्स होता था टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स होता था वाई इज इक्वल टू एक्स tan थीटा तो होगा तो होगा Times और दूसरी बार कब होगा ये वाला टर्म जीरो आर के बराबर हो जाएगा तो वन माइनस वन हो जाएगा ये बात समझ में आ गई देखो एक्स अगर जीरो है तो ये टर्म जीरो है और एक्स अगर आर है तो भी ये टर्म जीरो जीरो है तो ये बोला पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा ना समझ में आ गई बात सबको समझ में आ तो फेंका था, था तब और एक बार जब ये जस्ट ग्राउंड पे गिरेगा तब सबको समझ में आया कि नहीं आया फॉर्मुलेज आपको याद रखने है ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं चलो इन फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखते हैं क्वेश्चन है a, a from, range, इन सब को ध्यान रखना मैक्सिमम रेंज मतलब सीधा सीधा थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है भाई ठीक है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इतना इतना रेंज ऑफ़ था यू स्क्वायर बाई जी सो ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी खत्म खत्म हो गया ना भाई ये क्वेश्चन कुछ बचा क्या दो सेकेंड में कर दो, दो सेकेंड में है ना ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी

प्रोजेक्टाइल को ये वैल्यू दिया हुआ है ठीक है ऑल राइट right. तो इसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगा बोलो इनिशियल वेलोसिटी ये दिया हुआ है तो टेन थीटा तो ऐसे ही निकल गया वाई बाई एक्स से टेन थीटा ऐसे ही निकल गया है ना करेक्ट ठीक है और उसके बाद भी अगर आपको चाहिए अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाई आर तो आर भी निकल जाएगा देखो ये यू एक्स दिया हुआ है ये UI दिया हुआ है हमको पता है सभी बच्चे समझ में आ रही है बात और अगर चाहो तो जनरल y और x के टर्म्स में भी लिख के जो बेसिक बेसिक फंडा था ना उससे भी निकाल सकते हो शॉर्टकट से भी निकाल सकते हो मल्टीपल मेथड्स में बताते चल रहा हूं आपको ठीक है

ध्यान से सुनना अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट वाली कहानी नहीं चलेगी क्यों नहीं चलेगी सर इसलिए नहीं चलेगी बच्चे क्योंकि आपने जो भी फॉर्मुलेस पढ़े हैं वो कहां से हैं ग्राउंड टू ग्राउंड ग्राउंड टू ग्राउंड ठीक है ऐसे फेंक दिया तो क्या करेंगे ऐसे बिल्डिंग पे ले गए और ऐसे फेंक दिया तो क्या करेंगे तो क्या करेंगे ऐसे सारे केसेस को कैसे सॉल्व करेंगे क्योंकि यही सारे केसेस ना आपसे टारगेट किए जाएंगे यही ऐसे सारे केसेस आपसे न्यूमेरिकल में पूछे जाएंगे ठीक है तो पहले तो हो गए आइडेंटिफाई करना कि कौन से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन को सीधा सीधा से कर दो सिर्फ का गेम है है वहां पे ठीक लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो प्रोजेक्टाइल मोशन को मुश्किल मुश्किल बताते हैं मुश्किल बनाते हैं बनाते दो इक्वल बिल्डिंग से फेंक देते हैं कैसे करेंगे वो सारे केसेस अब ध्यान से देखना एकदम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कोई भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केस कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का चाहे वो एडवांस में ही क्यों ना आया हो आपने अगर यह मेथड मास्टर ट्रिक लगा ली तो इसका मतलब समझ लो कि सारा कुछ हो गया और मास्टर ट्रिक कुछ नहीं है वही बेसिक ट्रिक है बेसिक फंडा है जिससे मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू ही किया था वही बेसिक है ठीक सबसे पहले यह समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ध्यान से सुनना मेरी बात ठीक है मुद्दस हाँ नरूटो राधिका शालिनी अब एकदम ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं अगर आपने ये बात समझ ली तो आपका सारा क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में बन जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं और सेंट परसेंट गारंटी है कि करेक्ट बनेगा ऐसा कुछ वो नहीं है, नहीं भी याद है तो भी तो बन जाएगा। इस, cases, कुछ को तो मुद्दे की बात यह है बच्चों कि जहां से हमने कहानी को शुरू करी थी वहीं पर वापस आ रहे क्या थी कहानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन या टू डायमेंशनल मोशन कुछ नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन या टू डायमेंशनल मोशन इज टू वन शनल मोशन हैज बीन कंबाइंड ठीक है दो वन डायमेंशनल मोशन ऐसे हैं जिनको हमने कंबाइन कर दिया और इसी को आप टू डायमेंशन में देखते हो ठीक है अब ये जो दो वन डायमेंशन मोशन हो रहे हैं ये किस किस में हो रहे हैं एक्स है में हो रहे हैं और वाई में हो रहे ठीक है और किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई मोशन होता है तो उस मोशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है क्या क्या होती है उसकी वेलोसिटी उसमें एक्सेलरेशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट यही चार चीजें होती है मिला जुला करके आपके पास यही पांच वेरिएबल मिलेंगे और मिला जुला करके आपके पास यही तीन ठीक है थीके? तो देखो टाइम तो दोनों में कॉमन है तो टोटल कितने वे एक, दो, तीन, एक, दो, तीन. ये चीजें दी हुई है ठीक है इनमें से कोई पांच आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पता होगा छठा निकालना पड़ेगा समझ में आई बात सबको समझ में आई बात तो सबसे पहले उसको ढूंढो

एज्यूम दैट द बॉल इज टक वेरी क्लोज टू द ग्राउंड एंड हाइट ऑफ द फिल्डर इज नेग्लीजेबल जी इज इक्वल टू नाइन पॉइंट ऐट मीटर पर सेकंड स्क्वर अब देखो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन धूं तो ऐसा क्वेश्चन को बच्चे ना थोड़ा टफ मानेंगे ऐसे क्वेश्चन को बच्चे बोलते हैं अरे यार ये तो थोड़ा टफ क्वेश्चन दे दिया सर आपने पर कहानी कुछ नहीं है एक प्रोजेक्टाइल है यहाँ से गया ये गया होगा और ये कुछ हाइट है इतने ऊपर से निकलनी चाहिए और ये क्या दिया हुआ है वाई तो बेसिकली आपके पास यू है तो अगर यू पता है और एंगल पता है तो यू एक्स पता है और यू वाई पता है है कि नहीं है ना तो सीधा सीधा मोशन को क्या करो एक्स और वाई में लिख लो सीधा सीधा क्या करो एक्स और वाई में लिख लो और देखो क्या नहीं पता है right, क्या पूछना है? क्या जानना है, मैं? है? तो इसका मतलब देखो यू एक्स पता है जी का वैल्यू पता है जी का वैल्यू पता है एक्स हमें पता नहीं है.

ये y निकालना है x दिया हुआ है तो यहां पे जैसे ही हमको x दे दिया तो पहले यहां से तो टाइम निकल जाएगा और जैसे ही यहां से टाइम निकल गया तो y निकल जाएगा समझ में आ गई बात हाँ वाई नहीं पता सही बात है उल्टा भी कर सकते थे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है वाई दे देते कि एक वॉल है इसको टच जस्ट टच करके ये बॉल चली जाती है तो बताओ क्या हुआ ये बात सबको समझ में आ रही है ना यार ये बात सबको समझ में आ रही है ना ठीक है ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट बन गया बन गया सभी बच्चे से ठीक है बन गया ठीक है दूसरा तरीका भी था अगर फॉर्मूले के थ्रू भी सोचते तो भी बना सकते थे देखो ऐसा नहीं है कि ये इसी से बनेगा अगर जो भी ये से तो बनेगा ही बनेगा 100 परसेंट बनेगा फॉर्मुले से भी आप बना सकते थे क्योंकि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट आएगा ना तो अगर मैं आर निकाल लू आर इज इक्वल टू क्या होगा टू यू एक्स इन यू वाई डिवाइडेड बाई जी देखो दोनों चीजें पता है तो ये बन जाएगा है ना या फिर आप ऐसे भी कर लो यू स्क्टाइन टू क्या होता है y is equal to X tan theta, theta पता है पता आर खत्म यहीं से यहां से भी बन जाएगा इससे भी बन जाएगा समझ रहे हो ना जो जल्दी हो जिस भी मेथड को आप प्रैक्टिस करो जिस मेथड से जल्दी बन जाए तो मल्टीपल मेथड बताने लग रहा हूं ना मैं आपको देखो मास्टर से तो बनेगा ही बनेगा ट बनेगा कुछ नहीं समझ में आया तो इससे चले जाओ कोई दिक्कत नहीं समझ में आ गई बात नहीं तो इससे भी बनेगा बाबा ठीक है डायरेक्शन हाँ, में में निकाल लेंगे उस टी का इक्वेशन कर देंगे वाई निकल जाएगा ठीक है बिल्कुल सही समझे नूटो नहीं तो किसी को दिक्कत है कि नहीं सर मुझे तो फार्मूले याद है मैं फॉर्मुले से क्यों ना करूं फॉर्मुले से कर लो कोई दिक्कत नहीं है बन जाएगा हंड्रेड परसेंट बन जाएगा है ना एस तो आपको पता ही है एक्स एक्स सब्सिट्यूट करो थीटा का वैल्यू दिया टेन थीटा सब्सिट्यूट करो आर निकाल लो सब्सिट्यूट कर दो वाई का वैल्यू सीधा ही निकल जाएगा समझ गया ना बात अरे सबको समझ में मजा आ रहा है अब टफ तो नहीं लगा देखो ये क्वेश्चन टफ था टफ क्वेश्चन को दो दो तीन तीन मेथड से आपको बता दिया कि ऐसे भी बना सकते हो ऐसे भी बना सकते हो ऐसे ही बना सकते हो ठीक है तो टफ क्वेश्चन के अगर आपको दो तीन मेथड आ रहे हैं इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है भाई अगर ये टफ क्वेश्चन भी आपसे बन रहे ना बहुत आसानी से तो अगर कुछ नहीं समझ में आए देखो मैं ये बोल रहा हूं एक बात अगर फॉर्मूला याद है तो सबसे पहला जो गो टू मेथड होना चाहिए वो फॉर्मूले का होना चाहिए ठीक है अगर कुछ भी नहीं याद है तो सीधा सीधा ये काम कर लो बस इससे हंड्रेड परसेंट बनेगा ही बनेगा चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा लो आज जाना मस्त उठाना कोई भी कोई भी बुक उठाओ कोई भी क्वेश्चन उठाओ इससे बनेगा ही बनेगा चांसी नहीं है कि नहीं बनेगा ठीक है ठीक है भाई ऑलराइट right, देखो कैलकुलेशन तो यार करते करते ही आएगी अब देखते हैं चलो ये वाला केस देखते हैं क्या है एक बॉडी इस एक uh, क्या है भाई वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप विच इज एट अ हाइट ऑफ टेन मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड हाउ फार शुड द पॉट बी केप्ट फ्रॉम द पाइप सो दैट द वॉटर रीच इज इट ठीक है अगेन एक्स में देख लो इसकी वेलोसिटी तो सिर्फ एक्स में है है ना तो फिर से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मान लो मुझे कोई भी एक भी फॉर्मूला याद नहीं बस मैं अभी ये मान रहा हूं ठीक है ऑफ कोर्स फॉर्मूले से भी बन जाएगा सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का कहानी है मुझे पता है सब बना लोगे ठीक है लेकिन लेकिन अगर मान लो मुझे कुछ याद नहीं है मैंने क्या किया मैंने सोचा चलो x और y इन दोनों में मोशन को तोड़ देते हैं ux कितना है 10 ax कितना है ठीक है और vx कितना है ये भी तो 10 ही रहेगा ना ये तीन चीज तो मुझे पता चली गई y में आते हैं यूवाई कितना है जीरो ए वाई कितना है भाई माइनस दस ठीक है और क्या पता नहीं है वी वाई पता नहीं है डिस्प्लेसमेंट इन वाई पता नहीं है है ना ये ये डिस्प्लेसमेंट इन वाई पता है ये ये तो पता है देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहां से यहां का में 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 कितना है 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 बताओ y direction में ये तो तो पता ही है यार यही तो देखो y direction में इसका displacement क्या होता इनिशियल पानी, कहां कहां हो पानी यहाँ पे था final पानी स्पॉट में पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट ये है एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये है लेकिन वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? इतना ना और किस डायरेक्शन में मूव कर रहे ऊपर से नीचे तो माइनस दस खत्म कहानी खत्म कहानी खत्म जैसे ही तीन चीज मिला y is equal to ut plus half at square करके t निकाल लो t जैसे ही निकल गया t यहां सब्स्टिट्यूट करो और x का वैल्यू निकाल लो x is equal to ut से समझ में आ गई बात सभी बच्चों को समझ में आ गया ना यार समझ में आ गया ये गो टू मेथड है मास्टर ट्रिक है भाई कोई भी सवाल कहीं से भी कैसा भी पूछ दे प्रोजेक्टाइल मोशन का ये काम कर दोगे तो बनना ही बनना है हंड्रेड परसेंट शॉट शॉर्ट करेक्ट आंसर आना ही आना है कोई ऑप्शन ही नहीं है बेचारे क्वेश्चन के पास हाँ हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए हो सकता है आपके दस बीस सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाए बट बनेगा ही बनेगा कोई डाउट नहीं इसमें ठीक है ऑलराइट right, अगर आप सर्टेन होना चाहते हो कि मैं इतना दिमाग पे लोड नहीं लूं इतने फॉर्मुले वॉर्मुले का लोड नहीं लू सर मैं हर क्वेश्चन ऐसे बनाऊंगा थोड़े प्रैक्टिस करोगे तो ये मेथड भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा लेकिन ये श्योर शॉर्ट मेथड है हंड्रेड कोई ऐसा नहीं कि ये वाले केस में लगता है वो वाले केस में नहीं लगता है नीचे से फेंक दो तो भी लगेगा ऊपर से फेंक दो तो भी लगेगा कहीं से कुछ भी कर दो हंड्रेड परसेंट लगेगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज बता रहा हूँ मैं आपको है ना मैं आपको ये कॉन्सेप्ट कुछ लोग होते हैं वो आपको बता देंगे कि देखो ऐसे 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 करना है ये वाला फॉर्मूला है सीधा फॉर्मुला चिपका दो पर यार वो सारे फॉर्मुले जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं ना उस सभी शॉर्ट ट्रिक्स के ना कंस्ट्रेंट होते हैं लेकिन ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना ये कॉन्सेप्ट है ठीक है पहले पहले थोड़ा स्लो रहेगा सही बात है लेकिन जैसे जैसे आप जल्दी जल्दी करोगे ना वैसे वैसे आपको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है ये सारी टेबल आपके दिमाग में बनने लगेगी और फिर फटाक से लास्ट इक्वेशन लिखोगे और सॉल्व कर लोगे ठीक है लेकिन ये बात है कि अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता याद ही नहीं है फॉर्मूला भूल गए फॉर्मूला अरे यार यू स्क्वायर साइन टू थीटा था या साइन स्क्वायर टू थीटा था क्योंकि फॉर्मुलेज ऐसे है ना ठीक है अगर भूल गए तो कुछ नहीं करना है सीधा मास्टर ट्रिक से कर दो हंड्रेड आपका आंसर पक्का आएगा एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है एन एरोन इज फ्लाइंग एट इतना मीटर ग्राउंड लेवल हंड्रेड मीटर पर सेकेंड रिलीज इज ब्लॉक हाउ फार ऑन द ग्राउंड विल्ड स्ट्राइक कोई भी एरोप्लेन या या फाइटर जेट या कोई भी चीज अगर बम छोड़ती है कुछ भी छोड़ती है तो इसका जो अपना स्पीड है ना वो उस प्रोजेक्टाइल को उतनी ही स्पीड दे देती है हॉरिजोटल डायरेक्शन में

आज ही के आज टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा बहुत सारे क्वेश्चन ठीक है अब आपका काम यह है कि कौन से मेथड को प्रैक्टिस करना मैंने आपको सारे मेथड बता दिए फॉर्मूला से भी हो जाना है ऐसा नहीं जिसको हॉरिजॉन्टल हरिजोंटल का फॉर्मूला पता है खट से दो सेकंड में हो जाएगा कुछ नहीं है ऐसा है ना समझ में आ रही बात है ना हाँ बिल्कुल हलवा ही है यार प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन अब आपको बिल्कुल हलवा लगने चाहिए लग रहे है कि नहीं लग रहे हैं हाँ चला गया ये प्रोजेक्टाइल अच्छा यहाँ क्या <laughs> समझ में आई सभी को बात सभी को ये बात समझ में आई ठीक right. है भाई सभी को यह बातें समझ में आई कि नहीं हुँ? अच्छे समझ में आ गई ना अच्छे समझ में आ गया कोई ऐसा बच्चा है जिसको अब प्रोजेक्टाइल मोशन के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी तरह की तकलीफ या डर लग रही है बताओ कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको अब प्रोजेक्टाइल मोशन में डर लग रहा है बोलो ये निकाल लेंगे हम बहुत आसानी से वाई दिया हुआ या तो यही चीजें आइडेंटिफाई हो गई फटाक से हम निकाल लेंगे टाइम और एक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा u इन टू टी ऑल राइट दिखा देता हूं इसका सॉल्यूशन ठीक है ठीक है भाई कोई दिक्कत सबसे पहले y पता है ना y y में displacement, इसको substitute करोगे. तो टीज इक्वल टू टेन सेकेंड आएगा अब इसको x के लिए यूज कर लो टाइम निकाल लो और टाइम को इधर सब्सिट्यूट कर लो ठीक है क्या आ जाएगा वैल्यू वन किलोमीटर डन तो फिर क्या हो गया अब क्या हो गया ठीक है ठीक है ऑल राइट अंश थैंक यू सो मच बट आपके सजेशन की जरूरत नहीं है ठीक है <laughs> मेरे बच्चे जानते हैं मैं कैसा पढ़ाता हूं आपको ज्यादा प्लीज जिस दिन आप पढ़ाने लोगे उस दिन आप मेरे से बात करना बट थैंक यू सो मच ठीक है आपको जहां पे कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है आप वहीं पे चले जाओ ठीक है ऑल राइट सब टेंशन मत लो हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक कोई बात नहीं ऑल राइट देखो बच्चे मैं हमेशा बोलता हूँ सीट्स बहुत कम है और नीट जो है एक एलिमिनेशन का एग्जाम है अब जरूरी नहीं है कि सब लोग डॉक्टर ही बन पाएंगे और दुनिया को बहुत सारे और भी लोगों की जरूरत है कंपाउंडर्स की भी जरूरत है ना है ना ठीक है, है तो वेल well, आपके हाथ में है कि आपको क्या बनना है चलो फिर आज के लिए इतना ही आई होप आपको मजा आया होगा आपको समझ में आया होगा अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो और अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो फिर आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वालिटी विल ऑलवेज सुपरसीड द क्वांटिटी ये सारे हो हल्ला और इन सभी के बीच में अगर आपको सही से पढ़ना है इज्जत से पढ़ना है ना चिल्ला चिल्ला के पागलों की तरह से आप पानी फेंक रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं आजकल तो कुछ भी हो रहा है ना दुनिया में ठीक है ऑल राइट right. हाँ बिल्कुल मैं प्लेलिस्ट बनवा दूंगा आप चिंता मत करो ठीक है हाँ तो बस ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहो आज टेलीग्राम पे आपको और भी क्वेश्चन मिल जाने वाले और उन सभी को प्रैक्टिस करना आपको जो भी मेथड पसंद आए हो मास्टर ट्रिक से तो बनना ही बनना है अगर आपको फॉर्मुले से भी प्रैक्टिस करना तो उससे भी कर लो फॉर्मुले से डेफिनेटली आपकी स्पीड थोड़ी अच्छी जरूर हो जाएगी ठीक है तो चलो फिर आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे हम लोग कल कल कैपेसिटर और कैपेसिटर के अंदर डायलैक्ट्रिक और जो और भी अलग अलग टाइप के मैंने सर्किट्स आपको बोले थे ना वो सारी चीजें ऑल right, वो सारी चीजें देखेंगे हम लोग ठीक है ओके okay? चलो यार चलो ठीक है थैंक यू सो मच बाय बाय। आई सी यू दैट्स इट। बाय